नमस्ते, कोल्ड फ्यूजन हिंदी के एक और एपिसोड पे आपका स्वागत है। वीडियो के अंत में एक एक्साइटिंग अनाउंसमेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इस हफ्ते हम बात करने वाले हैं न्यूरल लिंक के बारे में। हम न्यूरल लिंक डिवाइस के अपडेट के बारे में बात करेंगे जो एनिमल्स में काम कर रहा है, लेकिन साथ ही हम न्यूरल इनकॉर्पोरेशन के बारे में गहराई से समझेंगे जो कुछ कंपनियों के पीछे हो रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। एक्स एम्प्लॉयज के अनुसार न्यूरल लिंक कंपनी के अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं कोल्ड फ्यूजन टीवी। शुरू करते हैं एक क्विक ओवरव्यू से। न्यूरल लिंक एक ब्रेन मशीन इंटरफेस है जो ब्रेन के सॉफ्ट टिश्यू से कनेक्ट होगा हजारों छोटे वायर्स के थ्रू। ये छोटे वायर्स एक रोबोट द्वारा ब्रेन में इंसर्ट किए जाएंगे जो कि एक स्विंग मशीन के जैसा है। अर्ली एनिमल टेस्टिंग के अनुसार ये इम्प्लांट सॉफ्ट टिश्यू पर कोई भी ब्लीडिंग या नोटिसेबल ट्रॉमा कॉज नहीं करते। फ्यूचर पेशेंट्स कुछ ही घंटों में हॉस्पिटल से बाहर हो जाएंगे और जनरल एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होगी। न्यूरल लिंक प्रोडक्ट का एक मीडियम एम ये है कि प्रोडक्ट में ऐसे डिवाइस को लाना जो सीवियर ब्रेन इंजरीज के साथ हेल्प कर सके। एंड रिजल्ट ये होगा कि पैराप्लेजिक फिर से मोटर फंक्शन रीगेन कर पाएंगे, ब्लाइंड लोग फिर से देख पाएंगे या फिर एंग्जाइटी के साथ हेल्प कर पाएंगे। यह डिवाइस एल्गोरिदम्स की हेल्प से ब्रेन को वोल्टेजेस भेज सकता है और ब्रेन से वोल्टेज रिसीव कर सकता है। दूसरे शब्दों में न्यूरल लिंक ब्रेन को रीड और राइट कर सकता है। मैंने पहले ही एक एपिसोड में एक्सप्लेन कर दिया है कि ये कैसे काम करता है और उसके टेक्निकल डिटेल्स क्या है। अगर आपने मिस किया है तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा। हाल ही में रिसर्च टीम ने स्टेज पर कुछ अपडेट देने के लिए आए हैं। अपडेट्स में सिक्योरिटी कंसर्न को क्लैरिफाई करना, एनिमल टेस्टिंग को एथिकल बनाना और कुछ चीज़ें और शामिल थी। लेकिन शायद सबसे नोटेबल ये था कि एक पिग में न्यूरल लिंक का लॉन्ग टर्म यूज़ डेमोंस्ट्रेट किया गया था जो पास दो महीने से और भी ज़्यादा चल रहा था। उन्होंने डेमोंस्ट्रेट किया कि जब भी पिग का स्नाउट कुछ टच करता था तो इम्प्लांट ब्रेन से पल्सेस सेंस करता था। उन्होंने इस इन्फॉर्मेशन को ऑडियोज बीप्स के फॉर्म में आउटपुट किया। ये न्यूरल लिंक उस रीजन में इम्प्लांटेड है जहाँ स्नाउट लोकेटेड होता है, जो कि एक्चुअली ग्रेग्स ब्रेन का एक बड़ा पार्ट है। और इसके आगे एक खास शोकेस था। टर्म न्यूरॉन्स से रीडिंग ले सकती थी और इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके ऑनबोर्ड एल्गोरिदम्स की मदद से प्रिडिक्ट कर सकती थी कि पिग के लेग्स कैसे मूव करेंगे। उसके बाद रिसर्च टीम ने प्रिडिक्टेड मोशन और पिग के मेजर्ड मोशन को कंपेयर किया और रिजल्ट्स बहुत कंसिस्टेंट थे। ये दिखाता है कि न्यूरल लिंक चिप पोटेंशियली ब्रेन के इनपुट सिग्नल को पढ़कर जॉइंट्स के मोशन को समझ सकता है। ऑब्वियसली ये लिम्स के मूवमेंट को कंट्रोल करने में बहुत यूजफुल हो सकता है। न्यूरल लिंक का ये नया वर्जन पिछले साल दिखाए गए वर्जन एक से छोटा है और इंडक्टिवली चार्ज होगा। एक एम्प्लॉय के अनुसार क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के दौरान डिवाइस कुछ हार्डवेयर कॉम्पोनेंट शेयर करता है कुछ हाई वॉल्यूम टेक जैसे कि स्मार्ट वॉचेज और स्मार्टफोन्स के साथ। इसका मतलब है कि फाइनल कॉस्ट कुछ $1000 के आसपास होगी। ये भी रिवील किया गया था कि न्यूरल लिंक कॉर्पोरेशन को FDA अप्रूवल मिल चुकी थी अंडर द ब्रेकथ्रू थेरेपी डेजिग्नेशन। इस पॉइंट पर यह नोट करना चाहिए कि न्यूरल लिंक के कंसेप्ट के रूप में कोई दूर की वेकी आइडिया नहीं है, जैसा कि पिछले एपिसोड में डिस्क्राइब किया गया था। ये एक डिकेड्स ओल्ड टेक्नोलॉजी है ब्रेन मशीन इंटरफेस रिसर्च फील्ड में। 2006 के इतने पीछे तक स्पाइनल कॉर्ड पैरालिसिस वाले लोग सिर्फ अपना माइंड का यूज करके पोंग खेल पा रहे थे ब्रेन इम्प्लांट रिसीव करने के बाद। तब से रिसर्चर्स ने कंप्यूटर का यूज करके ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करने के तरीके एक्सप्लोर करते रहे। न्यूरल लिंक्स सिर्फ इसका एम करता है बहुत ज़्यादा प्रिसिशन के साथ और ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड बेहतर परफॉर्मेंस के साथ। लेकिन सीन के पीछे चीज़ें थोड़ी कम स्मूथ रही हैं। एक रिपोर्ट बाय द स्टैट पब्लिकेशन इन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के साथ रिवील किए हैं। न्यूरल लिंक कॉरपोरेशन के अंदर ये क्लैश है कि कंपनी को कैसे रन किया जाए। एक तरफ ये एक रैपिड पेस्ड हाई टेक कंपनी जैसे लगती है, लेकिन दूसरी तरफ ये एक साइंटिफिक रिसर्च कंपनी है जो साइंटिफिक डिस्कवरी के स्लो नेचर का वेट करना पड़ता है। अनसरप्राइजिंगली ये कुछ फ्रिक्शन कॉज किया है। चार फॉर्मर एम्प्लॉयज जो एनॉनिमस रहना चाहते थे, उन्होंने स्टैट पब्लिकेशन को बताया कि कंपनी के फाउंडिंग के बाद से इंटरनल नेचर चाओटिक रहा है। न्यूरल लिंक कॉरपोरेशन ने अपने फाउंडिंग ओरिजिनल साइंटिस्ट के अधिकांश को खो दिया है। नंबर 8 से 3 हो गए हैं। इनमें लीडिंग एक्सपर्ट्स और ब्रेन मशीन इंटरफेस रिसर्च के राइजिंग स्टार शामिल थे। कुछ लोग पहले पायनियरिंग टीम के साथ काम कर चुके थे, जैसे कि IBM, MIT और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। एक पुराने एम्प्लॉय ने कहा कि वो एक मेडिकल डिवाइस और सर्जिकल अप्रोच बना रहे हैं उस मेडिकल डिवाइस को इम्प्लांट करने के लिए,
और वो इसको एक हाईटेक कंपनी की तरह अप्रोच कर रहे हैं। तेजी से आगे बढ़ो और चीज़ें तोड़ दो। न्यूरल लिंक के लिए ये एग्जाम्पल 2017 में हुआ था। कंपनी ने एक कोशिश की थी 1000 इलेक्ट्रोड्स को एक एरे पर इम्प्लांट करने की, एक शीप के ब्रेन में एक सिंगल प्रोसीजर में। एक पुराने एम्प्लॉय के अनुसार पहले छोटे नंबर के इलेक्ट्रोड्स इम्प्लीमेंट करने जैसी स्टेप्स ट्राई करने के बजाय उन्होंने फुल गन्स ब्लेजिंग में जाकर एक्सपेरिमेंट फेल कर दिया। कंपनी ने अपने फेयर शेयर ऑफ इंटरनल स्ट्राइफ देखा है। न्यूरल लिंक के मैकेनिकल इंजीनियर्स कभी कभी कंपनी के स्ट्रैटेजी पर अकेडमिक न्यूरोसाइंटिस्ट के साथ ऑड्स में होते हैं। इंजीनियर्स नेचुरली न्यूरोसाइंटिस्ट से बहुत अलग सोचते हैं, लेकिन कुछ केसेस में वो एक दूसरे के खिलाफ लीडरशिप द्वारा पिट गए थे। एलन प्रेडिक्टेबली इंजीनियर्स के साथ साइडेड करता था जब भी ये होता था। ये नोट करने में इंटरेस्टिंग है कि हालांकि एलन मस्क कंपनी के मेजॉरिटी ओनर और फाउंडर है, जेरेड बेटरल एक्चुअली CEO है। कंपनी के अंदर जब सर्टेन प्रोजेक्ट्स रोड ब्लॉक्स में आते हैं, एम्प्लॉयज को उन्हें अबेंडन करने के लिए इनकरेज किया जाता था और फिर न्यू वन स्टार्ट करने के लिए मूव ऑन करने के लिए। इनसाइडर्स के अनुसार ऐसे इश्यूज कंपनी के ब्रॉडली एम करने और सिंपल लिंक और मोर टारगेटेड एप्लीकेशन पर फोकस ना करने से अराइज होते थे। टाइमलाइंस भी रश्ड थी, जबकि साइंटिस्ट ऑफन स्ट्रेस करते थे कि रिसर्च मंथ ले सकती है। उन्हें कभी कभी सर्टेन प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने के लिए सिर्फ वीक्स दिए जाते थे। ये सब मुझे मेरे एपिसोड को याद दिलाता है बिहाइंड द सीन्स डेवलपमेंट के ऊपर ओरिजिनल आईफोन का, जस्ट द रियलिटी ऑफ ट्राइंग टू डेवलप अ ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोडक्ट बट इन एन एनवायरमेंट दैट वॉज अ कम्प्लीट प्रेशर कुकर। इसके बावजूद सेवरल फॉर्मर एम्प्लॉयज ने स्ट्रेस किया कि उन्होंने इम्प्लाई करना चाहते थे कि न्यू रूलिंग कॉरपोरेशन अंडर परफॉर्मिंग था। वो एक्चुअली कंपनी की तारीफ करते फील्ड पर स्पॉटलाइट डालने के लिए। वो भी कहते थे कि मस्क हमेशा एक्सेलरेटेड टाइमलाइंस और हेफ्टी डोजेस के क्योस के साथ ऑपरेट करते हैं, एक स्ट्रैटेजी जो उन्हें सक्सेसफुली स्पेस इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल मार्केट ट्रांसफॉर्म करने में मदद की है जहां अदरवाइज हैव फेल्ड। वो चायोटिक नेचर को नेचुरल मानते हैं एक कंपनी के लिए जिसके पास ऐसे एम्बिशियस एंड गोल्स हैं। और क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू, आउटसाइड इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स इम्प्रेस्ड हैं कुछ न्यूरोलिंक्स इंजीनियरिंग अकम्पलिशमेंट से। द स्विंग मशीन रोबोट जो ब्रेन में थाउजेंड ऑफ टाइनी इलेक्ट्रोड्स को इम्प्लांट करता है, वो एक ग्रेट अचीवमेंट के रूप में हेल्ड किया गया है। न्यूरोबायोलॉजिस्ट एंड्रयू स्वार्ट्ज ऑफ यूनिवर्सिटी पिट्सबर्ग, फील्ड का एक पायनियर, स्टेट्स कोट, ओवरऑल द कंसेप्ट इज इम्प्रेसिव एंड सो इज द प्रोग्रेस दैट दे हैव मेड, एंड कोट। दो पुराने न्यूरोलिंक एम्प्लॉयज के अनुसार रोबोटिक इम्प्लांटिंग डिवाइस कॉस्ट बिटवीन $10 million to $20 million इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये रिसर्च और डेवलपमेंट को इंक्लूड करता है। सबसीक्वेंट रोबोट्स बिल्ड करने में अप टू $500,000 कॉस्ट करते हैं। न्यूरल लिंक कॉरपोरेशन ने पहले से ही करीब